नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दोस्त बिरजू कुमार इस वक्त मौजूद है बिहार समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आने वाले गांव पंसल्ला में। जब हम सिंघिया से बल्हा रूट होते हुए मसान खून कुशेश्वर जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक बहुत ही बढ़िया शानदार चीज देखने को मिला, यानी बस स्टॉप देखने को मिला। कई बार हम जिक्र करते हैं बस स्टॉप को, तो जहन में शहर नगर आता है जहाँ पे बस स्टॉप होते हैं और बसें रुकती हैं और यात्री वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं और फिर बस पे सवार होकर के अपने गंतव्य की ओर, अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आज पहली बार, हालांकि हो सकता है कि जहाँ तक हमारे नज़र जो है गई है वहाँ तक तो हमें नहीं दिखा है, आपके यहाँ हो सकता है, तो हमें बस स्टॉप देखने को मिला। यहाँ पे हम रुक गए। देखिए, बस स्टॉप का पहला फायदा तो यह है कि गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं, अगर उनको लगता है यहाँ पे यात्री है तो स्लो डाउन करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। जब आप सिंघिया से कुशेश्वर स्थान के रास्ते आइएगा तो पंसल्ला गांव आएगा। यहाँ पे सामने देखिए, यह है प्राथमिक विद्यालय या फिर हो सकता है मध्य विद्यालय पंसल्ला। और एक चीज आप देखिएगा कि इस गांव में जो है आपको चिमनी भट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि इस ब्लॉग में आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करते रहेंगे आने वाले समय में, तो बहुत सारी जानकारी आपको गांव से रिलेटेड, अपने शहर से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। देखिए, बस स्टॉप का अब आपको हम फायदा गिनाते हैं। यहाँ पे सामने देखिए, एक झोपड़ी के सामने सोलर प्लेट रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये सोलर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो लोग जो है मोबाइल चार्ज करने के लिए इस तरह के छोटे से सोलर पैनल का इस्तेमाल किया करते थे। सामने अपना बस स्टॉप है। देखिए, बस स्टॉप का सबसे पहला फायदा कि ये यात्री सेट के रूप में काम करता है। लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं, गाड़ी यहाँ पर रुकती है और लोग सवार होकर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। दूसरा फायदा, गांव के जितने भी ग्रामीण हैं कहीं कहीं यहाँ पे बैठते हैं और लगभग 5 से 8 लोग 10 लोग तो बैठ सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पे बनाया गया है। और ठंड का मौसम है तो एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। जब बारिश हो रही हो तो जो यात्री गुजर रहे होंगे तो उन्हें बैठने के लिए एक उचित जगह मिल जाएगी। इस यात्री सेड यानी कि बस स्टॉप पर कह सकते हैं कि 4 हवादार खिड़कियां हैं, यानी आप जब यहाँ पर बैठिएगा तो सुहाना सफर है ये जिंदगी वाला फील आएगा। यहाँ से आप खेतों को भी देख सकते हैं। हालांकि इस यात्री सेड को क्षति नहीं पहुंचाया गया है। हालांकि सार्वजनिक जगह पर अगर सरकारी कोई चीज हो रहा हो तो देखिएगा, उसको लोग क्षति पहुंचाते हैं, वे उन्हें ध्यान नहीं होता है कि उन्हीं का है, उन्हीं के टैक्स से दिए गए पैसे से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। उन्हें लगता है सरकार तो हम ही हैं, हमी ने तो किसी एक व्यक्ति को उस काम के लिए चुना है जिसे हम सरकार यानी राजा मानते हैं। असल में टैक्स का पैसा कम बेस हम ही लोगों का होता है। सामने देखिए, पूरा का पूरा खलिहान रबी फसल के लिए तैयार हो चुका है। कहीं कहीं खेतों में भी गेहूं या मकई के आने शुरू हो चुके हैं और यहां से लुक जो है जबरदस्त दिख रहा है। अगर आप इस इलाके से गुजरते हो या फिर पंसल्ला से बिलोंग करते हो, कहने का मतलब रहते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। हम आपको दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, पटना, बिहार से रूबरू समय समय पर करवाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो खत्म हो रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।